सदियों पहले समुद्र के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव वालों का काम था मछली पकड़ना और मछलियों को पकड़ के बाजार में बेचते थे। जिस दिन मछली ज्यादा पकड़ आता था उस दिन घर में ज्यादा पैसे आते थे, और जिस दिन एक भी मछली नहीं पकड़ा आता था तो उस दिन मछुआरों का हाल बिगड़ जाता था। क्या हाल है? क्या बताऊं चाचा, एक भी मछली नहीं फंसी है, एक भी। अरे शाम तुम हो क्या? हाँ चाचा मैं हूँ। मछली पकड़े हो? हाँ चाचा पकड़ा हूँ, बाजार में बेच के दो वक्त का खाना हो जाएगा। हाँ वो तो हो ही जाएगा, हमका तो किराया नहीं देना है, बाल बच्चे भी नहीं है, तुम और तुम्हारे पत्नी है और क्या है, तुम दोनों का चल जाएगा। ये तो सच बात है महाराज, दो ही तो लोग है, दो चार मछली पकड़ने से भी उन दोनों का दो वक्त का खाना चल जाएगा। वो तो समझता है लेकिन उसकी पत्नी नहीं समझती है। इससे क्या होगा बताइए, आज दो वक्त का खाना खाएंगे कल क्या करेंगे? क्या हुआ, आज फिर मछली पकड़ने जाऊंगा, बाजार में बेच के कल का बंदोबस्त हो जाएगा। दो वक्त के खाने से ही सिर्फ होता है, कब से मैं बोल रही हूँ कि घर का मरम्मत करवाओ, लेकिन किसे सुनाई देता है? सुनाई तो नहीं देता है तुम्हें। होगा होगा सब ठीक होगा, ज्यादा लालच करना ठीक नहीं है, पिताजी कह के गए हैं, बेटा गिनती करके 5 बार जाल फेंकना, जो भी मछली फंसे उसी को खुशी से रख लेना, जिंदगी में खुश रहोगे। बहुत खुश रखे हो, कितना खुश रखे हो ये मुझे पता है। सुनो मेरी बात, तुम 5 बार फेंको या 50 बार फेंको, कल सुबह सुबह मुझे पैसे चाहिए ही चाहिए। ओह बहुत देर हो गई, अब ऊपर खींचता हूँ, लग रहा है बहुत मछली फंसा है। आ, 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 आ। ये क्या, ये तो लकड़ी है, मछली कहाँ है? अभी और 4 बार तो जाल फेंक सकता हूँ, इस बार जरूर फंसेगा। अब लग रहा है मछली फंसा है। अरे कितना भारी है, मेरा नाव ना उलट जाए, कितना वजन है। ये तो एक पत्थर है, क्या है मेरे नसीब में पता नहीं, 5 बार में से 2 बार चला गया, एक छोटी सी मछली भी पकड़ नहीं पाया मैं, और एक बार फेंक के देखता हूँ। कितना वजन है, ये तो मिट्टी का घड़ा है, जरूर इसमें कुछ होगा, देखो जरा, देखो देखो ऊपर वाले ने जरूर कुछ दिया होगा। ये क्या, इसमें सिर्फ मिट्टी पत्थर है, इसका क्या करूंगा मैं, धत 3 बार जाल फेंका मैं, एक मछली भी नहीं फंसा, देखता हूँ फिर और एक बार फेंक के। इस बार कुछ होगा। हाँ 4 बार जाल फेंका मैं, कुछ नहीं मिला मुझे, अंत में एक बार फेंक के देखता हूँ क्या मिलता है। इतना वजन क्यों है, जरूर पत्थर होगा, और क्या हो सकता है। ये तो एक घड़ा है, देखता हूँ।
हाँ? कौन हो तुम? मैं दानव हूँ। तुम दानव हो तो इसमें कैसे आए हो? मैं बादशाह सुलेमान का गुलाम था। एक दिन मैं अपने शक्ति की अहंकार में उनके बातों को टाल दिया था, इसलिए वो क्रोधित होके मुझे दंड स्वरूप इसमें बंद कर दिए। मैं अब तुम्हें खा जाऊंगा। मैं तुम्हें मुक्त किया हूँ ना, उसका ये सलाह दे रहे हो? बताओ तुम्हारा आखिरी ख्वाहिश मैं पूरा करूंगा। हाँ, मेरा आखिरी ख्वाहिश? तुम्हें अब मजा चखाता हूँ। मेरा क्या आखिरी ख्वाहिश हो सकता है, लेकिन मुझे ये विश्वास नहीं होता तुम इतना बड़ा दानव होकर इसमें कैसे थे, कुछ समझ में नहीं आता। मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? हाँ 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 हाँ, तुम सोच लो, यही मेरा आखिरी ख्वाहिश है। अच्छा, आखिरी ख्वाहिश है तुम्हारा? देखो, क्या ये क्या कर दिया, ढक्कन खोल दो। ये क्या, ये क्या, मुझे बाहर निकालो, ये क्या, मुझे बाहर निकल। जो किसी के उपकार का सम्मान नहीं करता उसे बंद रहना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ करो, मुझे छोड़ दो। बताओ तुम क्या चाहते हो, मुझे मुझे माफ कर दो। मैं 5 बार जाल फेंकता हूँ, जो मछली जाल में फंसता है उसी को बेचकर 2 वक्त का खाना खा पाते हैं, लेकिन आज एक भी नहीं पकड़ा आया। यही बात है, तो फिर सुनो दोस्त, 5 बार नहीं, तुम 1 बार जाल फेंकोगे तो तुम्हारा जाल मछलियों से भर जाएगा, तुम्हें कभी अभाव नहीं होगा। तुम जब मछली पकड़ने आओगे तब फंसेगा। अब मैं चलता हूँ दोस्त, जब मेरा जरूरत पड़े मुझे बुलाना, मैं आऊंगा। हाँ, महाराज यहाँ पे शाम मछली क्यों मांगा दानव से? बेताल, शाम जानबूझकर दानव से मछली मंगा है, क्योंकि वो चाहता है अपना ईमानदारी का फल खाए, इसीलिए शाम बहुत ईमानदार है। इसलिए अब मैं चला महाराज। बेटा।